नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। इस वक्त देश भर में फ्रांस की मैगजीन का एक कार्टून वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इस मैगजीन की निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग इस मैगजीन के सहारे सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो कई संगठनों ने कहा है कि यहाँ पर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे पहले बता दें कि फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो ने 28 अप्रैल को अपने मैगजीन में एक कार्टून पोस्ट किया था, उसका ही स्क्रीनशॉट 11 मई को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया। उसमें लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद भी भारत ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर पाता है। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं भारत में कहा जाता है, हालांकि उन्होंने इंग्लिश में 33 मिलियन लिखा है, जिसका मतलब 3.3 करोड़ हुआ। जो भी हो, लेकिन भारत के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है इसके जरिए। भले ही आप इस माध्यम से भारत की व्यवस्थाओं पर चोट कर रहे हो कि भारत सरकार जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रही है मरीजों को, क्योंकि देश में कोरोना महामारी चल रही है और इसके संकट में करोड़ों लोग, लाखों लोग फंसे हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। ऐसे में ऑक्सीजन उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन की किल्लत देश में ज़रूर हुई है। लेकिन शार्ली हेब्दो को ये डेटा भी जानना ज़रूरी है, ये फैक्ट भी जानना ज़रूरी है कि भारत ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जितना मांग है, जितनी मांग की जा रही है भारत में, उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास। हम आपको डेटा और आंकड़ों के साथ उन सारी चीज़ों को समझाएंगे और शार्ली हेब्दो को यह एक जवाब भी है कि आप भी जान लीजिए, भारत में अगर आप हिंदुओं का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो, और इस तरह का तमाशा करके आप भारत की व्यवस्थाओं पर चोट करना चाहते हैं, तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आंकड़ों से आपको समझा देते हैं कि भारत में कितना ऑक्सीजन उपलब्ध है, कितनी मांग है और खपत कितनी है, हम कितना उत्पादन करते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। हमारे 33 करोड़ देवी देवता क्या कर सकते हैं, जरा शार्ली हेब्दो मैगजीन के लोग हों जो बैठे हुए हैं, इनके संपादक, यह भी जान लें और समझ लें। आपको एक जानकारी और दे देते हैं, जो आंकड़ा बताएंगे ही। शार्ली हेब्दो बहुत ही विवादित मैगजीन है, यह हमेशा से किसी भी धर्म पर चोट करता है और उसके जरिए जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में किसी भी धर्म को चोट पहुंचाता है। बदले में उस पर हमला भी हुआ था शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर, जहां पर उनके कई कर्मचारी मारे गए थे, यह भी रिपोर्ट है। बावजूद इसके शार्ली हेब्दो मैगजीन के नेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वह धर्म पर लगातार चोट करता रहा है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत दरअसल क्या करता है। हम मानते हैं कि हमारे देश में अव्यवस्था हो जाती है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऑक्सीजन उत्पादन, प्राण देने वाली चीज, उसका उत्पादन भारत बहुत करता है। चलिए मैक्रों से समझाते हैं। हमारे पास 22 अप्रैल के पास का एक डेटा है जो बताता है कि भारत में फिलहाल जो रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील और इफको खाद कंपनी, ये सारी कंपनियां जो हैं ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। कुछ उद्योगों को छोड़ करके देश में तो ऐसे भी ऑक्सीजन जो है वह सारे इंडस्ट्री को कह दिया गया है कि आप मेडिकल को देंगे उत्पादन करके, तो सब लोग ऑक्सीजन का उत्पादन भी कर रहे हैं और मेडिकल को दे भी रहे हैं। अनेक जिलों में नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कई जगह पर पीएम केयर फंड के पैसे से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। चूंकि हम अव्यवस्था झेल रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने से पहले जो हमारे पास उत्पादन क्षमता है वो जरा समझ लीजिए। एक जानकारी और दे दें, बात हो रही है फ्रांस की, नज़र इसलिए पड़ी होगी कि इन लोगों ने मदद भी की है, तो 50,000 मीट्रिक टन जो है हमने ऑक्सीजन इम्पोर्ट कर लिया विदेश से। इसके अलावा हम देश की बात करते हैं, भारत में, भारत में जो ऑक्सीजन के उत्पादन की बात है, औसतन 700 मीट्रिक टन की जो है वो जरूरत थी, डिमांड थी भारत में कोविड से पहले, जब कोरोना केस हुआ था तब से पहले 700 मीट्रिक टन हम लोग डेली इस्तेमाल करते थे, उतना डिमांड होता था, हम लोग आसानी से सप्लाई करते थे। जब पहली लहर आई कोरोना की, तब 2800 मीट्रिक टन तक डिमांड बढ़ गई, कि ऑक्सीजन का डिमांड जो है 2800 मीट्रिक टन तक पहुंचा, हम वो भी दे रहे थे। दूसरा जो लहर आई इस बार का, 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश भर में जरूरत पड़ गई रोजाना खपत करने के लिए। लेकिन रोज की खपत जो है भारत क्या कर रहा है कि भारत की खपत रोजाना, जो डेटा है हमारे पास डेटा के मुताबिक, 3842 मीट्रिक टन अभी हम रोजाना खपत कर रहे हैं और मैक्सिमम मांग 5000 मीट्रिक टन की हो रही है। और साथ ही साथ भारत अभी उत्पादन जो करता है
चार्ली हेब्दो मैगजीन जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, भारत जो डेली उत्पादन करता है वो 7,287 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादित करता है भारत। इतना ऑक्सीजन हम देते हैं और हमारे देश की ज़रूरत जो है फिलहाल 3842 मीट्रिक टन ही है। मैक्सिमम डिमांड जो है 5,000 मीट्रिक टन सेकेंड वेव में, कोविड के सेकेंड वेव में बढ़ी है, तो ऑक्सीजन का उत्पादन तो हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो चार्ली हेब्दो जी, आपने जो तंज कसा है कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं फिर भी ऑक्सीजन उत्पादन नहीं हो रहा है, हमें अपने भगवान में बहुत आस्था है, हम उन्हें पूजते हैं, उन्हीं की कृपा से देश सुरक्षित भी रहेगा और आगे भी भारत जो है हजारों लाखों वर्षों तक जो है तरक्की करता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, अमिट है देश, ये मान लीजिए आप। इसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि हमारे पास दिक्कतें कहाँ आती हैं। दरअसल क्रायोनिक टैंकर जो होता है वो हमारे पास कम है और एक साथ किसी भी देश में अगर अचानक से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो सबको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम व्यवस्था अभी लगातार कर ही रहे हैं, तो क्रायोनिक सिलेंडर टैंकर इन सब के और उपकरण जो होते हैं इनकी दिक्कत है हमारे पास। ये सप्लाई हमें जैसे ही मिल जाती है हम ऑक्सीजन तो फटाक से पहुँचा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चार्ली हेब्दो मैगजीन जी, अगर आप हमारे भारत के देवताओं पर, हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं तो आपको भी करारा जवाब मिलेगा ही मिलेगा आपके कार्टून से। कुछ लोग हमारे देश में हैं ऐसे जिन्हें मौका मिल जाता है कि सरकार पे तंज कसना हो या किसी पर को चोट पहुंचाना हो तो विदेशी चीज़ों का हवाला बहुत जल्दी लेते हैं। विदेश की चीज़ें उन्हें अगर मिल जाती है तो लगता है इसमें बहुत दम है, बहुत फैक्ट है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन उत्पादन नहीं करते हैं। तो हमने आपको आंकड़ों से समझा दिया है कि रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, इफको के अलावा कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी सभी इंडस्ट्रीज, सब कोई अभी देश में ऑक्सीजन उत्पादन करके मेडिकल को भेज रहा है। तो मेडिकल के पास ये सब कुछ पहुंचेगा तो पहुंचने के लिए जो इक्विपमेंट्स है उसकी दिक्कत होती है। 5,000 मीट्रिक टन मैक्सिमम डिमांड है और खपत जो है 3842 मीट्रिक टन है, बावजूद इसके हम 7,287 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन कर पा रहे हैं देश में, साथ ही साथ 50,000 मीट्रिक टन हमने आपसे भी इम्पोर्ट कर लिया है। तो हमारी व्यवस्था पर चोट ना करें, हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी दिक्कत हो रही है हम लोग मिल बांट के सुलझाएंगे आपके तंज से और आपके जो है बिना ज्ञान वाली बात से, बिना फैक्ट जाने कुछ भी लिख देने से भारत में कुछ हो नहीं जाएगा। भारत हमेशा से लड़ता रहा है और इस कोरोना से भी पार पाएगा, इस बात के लिए आप तैयार रहिए और अपना भद्दा मजाक अपने पास ही रखिए, क्योंकि यह हिंदू बहुल देश है और हिंदू इस तरह के मजाक को बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।